भागो नहीं, रुक जाओ आराम से। और ये मेरे पास आ गई, मेरे पास आ गई, मैं मारूंगा किक, मैं मारूंगा। इस चरखे के पीछे हैं बहुत सारे राज। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक हमारे नए वीडियो में, जिसमें आज हम आए हुए हैं लोहिया पार्क। और आदु, आदि और नम्मे, नम्मे से हेलो। हेलो फ्रेंड्स, आ रहे हैं लोहिया पार्क। आदु से हेलो। हेलो। आदि बोलता नहीं है, अभी शर्माता है। तो गाइस देखते हैं आज हम लोहिया पार्क में क्या क्या मस्ती करने वाले हैं, चलिए बने रहिए हमारे साथ में। पहले हम जाने वाले हैं, आगे झूले लगे हुए हैं, तो हम जा रहे हैं झूले की तरफ। भागो नहीं, रुक जाओ आराम से। आदि बेटा भागो नहीं, आराम आराम से चलो, गिर जाओगे। और मैं बैग में क्या लेकर आया अपने साथ? फुटबॉल और पानी की बॉटल लेकर आया। न मैं यहाँ खेलेगा मेरे साथ फुटबॉल, है ना? हाँ। और आदि और आदू जो हैं ये झूले पर झूलेंगे। तो गाइस नम्मे और मैं तो खेलेंगे फुटबॉल यहाँ पर आराम से, और आदु और आदि झूले पर झूलेंगे। कौन से वाले पे? तो ये पहुँच गए भागकर फटाफट से झूले के पास में दोनों। चढ़ो, चढ़ जाओ यहाँ से, नहीं लड़ाई नहीं करना, लड़ाई नहीं करो, चढ़ो आराम से। चढ़ जाओ, आओ आ जाओ, चढ़ो आ जाओ। आ जाओ ये धुम। आदू तुम भी आओ। हाँ हाँ, फुटबॉल निकाल ली। हाँ फुटबॉल निकाल लो, करो तो तुम प्रैक्टिस करो। आ जाओ ज्यादा दूर किक मत मारना, ही खेलो आराम आराम से आसपास में ही। और ये मेरे पास आ गई, मेरे पास आ गई, मैं मारूंगा किक, मैं मारूंगा। और अब झूले की डिमांड हो गई है चेंज, अब आ गए। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, भैया को बैठाओ आराम से। हाँ अब तुम इसे नीचे करो आराम से, रुको रुको। तो यहाँ पर इन्हें मुझे पकड़ के झुलाना पड़ रहा है, क्योंकि एक भारी है एक हल्का है, तो दोनों का बैलेंस नहीं बन पा रहा है यहाँ, और ये झूला चल नहीं रहा। तो यहाँ पर इन दोनों को पकड़ के मैं ही झुला रहा हूँ, अपने आप पे झूल नहीं पाएंगे, गिर जाएंगे। तो मैं ही पकड़ के इन्हें झुला रहा हूँ। और आदु यहाँ पर इस वाले झूले पर आ गई। अब उधर से हमारा आदि तैयार है। बेटा ज़्यादा ऊंचा नहीं, बस यहीं तक रहो, हाथ छूट जाएगा तो चोट लग जाएगी। आदि रुक जाओ तुम, बस आदि बस बस, उतरो नीचे उतरो दोनों, ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं जाते बेटा, ये बहुत ऊंचा है, चोट लग जाएगी। चलो स्लाइड पर, चलो स्लाइड पर चलो आदि, स्लाइड पे। ये वाला नहीं, बहुत तेज वाला है, एक बार ट्राई करो। गाइस ये जो बच्चा है हमारा छोटा सा, ये बहुत पसंद करता है स्लाइड्स को, और झूले तो इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो कर रहा है एंजॉय झूलों पर। आपको भी आई होप एंजॉय आ रहा होगा। ये गाइस जब हम आ गए ओपन जिम के अंदर, यहाँ पर देखिएगा आदु पहले भी आई थी यहाँ पर, तो इसे पता है इस झूले पर कैसे झूलते हैं। तो देखो आते ही झूले पर चढ़ गई। और ये हमारा आदि, रुक जाओ रुक जाओ, बैठो
हाँ सारे मसल्स बन जाएंगे एक दिन में तुम्हारे इससे तो हो गया। हाँ खेलो। हाँ हाँ ये टूट रहा है बेटा, ऐसे पैर आ जाएगा, रहने दो। ये टूट रहा है, ये देखो ये टूटा पड़ा है, ये टूटा पड़ा है, उतर जाओ आराम से। हाँ मजा आ रहा है, सबको मजा आ रहा है, तुम्हें आ रहा है मजा? आदि आपको मजा आ रहा है? हाँ। घर चले अब? नहीं तो अभी घर चलने का मन नहीं है इनका। अरे लड़ाई नहीं करो। ये देखिए पार्क में और भी बच्चे आए हुए हैं, एक ही झूले पर ये दो दो बच्चे लगे हुए हैं। इन्हें केवल मस्ती करनी है और कुछ नहीं करना। मैं एक्सरसाइज करता हुआ, वाह आराम से आराम से आराम से। अब ये जिद कर रहे हैं इस वाले झूले पर झूलने की, लेकिन ये झूला तो ही गिरा देगा इन्हें। बेटा इस झूले पे नहीं झूलेंगे, ये झूला नहीं है पहली बात तो, ये एक्सरसाइज करने की मशीनें हैं बेटा। ये देखो चरखा, इंसाफ का चरखा। इस चरखे के पीछे हैं बहुत सारे राज। हाँ ये चरखा क्यों घूम रहा है ऐसे? अपने आप घूम रहा है, देखो चरखा, जादुई चरखा है ये, अपने आप घूम रहा है। आदि चरखा, ये अपने आप घूम रहा है व्हील। पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, लग जाएगा, पीछे हट जाओ। गाइस यहाँ देखें, मैं इस झूले पर झूलता हुआ, ज़्यादा नहीं करो बेटा, बस तुमने खाना खा रखा है, पेट में दर्द हो जाएगा, उतर जाओ चलो। और ये हमारा छोटा परांठा बड़ा होने की तैयारी कर रहा है। आदि क्या कर रहा है? एक्सरसाइज कर रहा है। अबे गिर जाएगा तू, मान जा, हरकतें मत कर, मान जा मान जा। और आदू को खेलते लग गई प्यास, तो उसके लिए हम इंतजाम करके लाए हैं, हम लेकर आए हैं पानी की बोतल। धूप हो रही है तो गर्मी तो लगेगी और प्यास भी लगेगी। चलो आराम आराम से, पहले पहले बेटा बहन को दे दो, पहले आदू को दे दो, पियो। अब छोटे भैया को दे दो। चिड़ियाओं की आवाज़ कैसी आ रही है? पेड़ पे बैठी हैं चिड़ियाँ, आवाज़ कर रही हैं। और अब यहाँ पर आदू और नम्मे के बीच में फुटबॉल मैच होता हुआ, चलो करो देखते हैं कौन जीतता है। करो आदू, ऐसे थोड़ी फेंकते हैं, आदू तो मेरे शुरू में ही हार गई। उठाओ और दूर फेंक रहा है, उठा ला, उठा के ला। तो गाइस गर्मी में बच्चे गए थक और हम कर रहे थोड़ा सा एंजॉय, लेकिन बच्चे तो अभी भी जो है, जैसे कहते हैं ना, बच्चे कभी थकते नहीं हैं, तो बच्चे तो अभी भी खेलने में लगे हुए, और मैं इनकी वीडियो बनाते बनाते ही थक गया, लेकिन अभी भी कर रहे हैं कि डैडी वीडियो बनाओ। ये देखो सबसे ज़्यादा शैतानी छोटा वाला कर रहा, सारे कपड़े इसने गंदे कर लिए अपने, और उसके बाद भी उसका मन नहीं भरा हुआ है। तो गाइज अभी हम पार्क में बैठे हुए हैं, कर रहे हैं रेस्ट, और बच्चे झूला झूल रहे हैं। नम्मे तो आ गया, देखो नम्मे पानी पी रहा है, थक गया है।
ना मैं पानी पी रहा है और हम बैठे हुए कर रहे हैं अभी रेस्ट। धूप बहुत ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से बच्चों को खेलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो अब हम भी सोच रहे हैं कि थोड़ी बहुत देर में अब घर को निकल जाएँ। मौसम आज ठीक था तो इसलिए हम पार्क में सुबह सुबह आ गए, अदरवाइज़ हम शाम को प्लानिंग करते शाम को आते, लेकिन मौसम ठीक था तो हम आ गए, लेकिन अब अचानक धूप निकल गई है तो इसकी वजह से अब हमें घर जाना पड़ेगा। तो अब इनको तैयार करते हैं घर जाने के लिए, आराम से तैयार होंगे नहीं क्योंकि रोएंगे ये घर जाने के लिए, इनको एंजॉय करना है क्योंकि। चलो देखते हैं क्या होता है। आदू तो जेल में बंद हो गया, अब जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। तुमने क्या जुर्म किया है? चोरी। चोरी की है? आदी क्या चुराया दीदी ने? फुटबॉल चोरी करी है, अब तुम्हें पुलिस पकड़ के ले जाएगी। खाना प्लेट नीचे उतरो आदि। तो गाइज हम तो घर जा रहे हैं, लेकिन इसका लड़के का अभी तक घर जाने का मन नहीं है, हम इसे छोड़ के ही जा रहे हैं। ठीक है जाएं हम, जल्दी आ जा, फिर चले जाएंगे हमने छोड़ के। आओ वीडियो तो बना ही रहा हूँ मैं, लेकिन भैया घर चलो बहुत धूप हो गई है। चलो हाँ चलो 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 हो गया, चलो आओ आइए बस आ जाइए। ये बना हुआ है गाइस यहाँ पर रोज़ गार्डन, और यहाँ पर रोज़ की बहुत सारी वैरायटी हमें देखने को मिलेंगी। अभी हम इसको अंदर चलते हैं, अंदर से दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देखेंगे रोज़ की बहुत सारी वैरायटी लगी हुई हैं, वाइट रोज़ है, अपना बेसिक जो देसी गुलाब है वो भी लगा हुआ है, और वो पीला वाला भी लगा हुआ है। ये देखिएगा आप, यादू रोज गार्डन में या फोटो आपका। और आदि को रोज गार्डन बड़ा पसंद आया है। किधर से बेटा? इसमें कांटे भी होते हैं, कांटों से बच के रहो, गुलाब के साथ कांटे भी होते हैं। हाँ हाँ मैं कह रहा हूँ ना, कांटे इसमें कीड़े भी होते हैं बेटा, कीड़ों से बच के रहो। ये हमारी आदू ने एक प्यारा सा गुलाब लिया है अपनी तरह, है ना, ये हमारी आदू का गुलाब, गुलाब जैसी आदू और गुलाब का फूल। चलो तो गाइस चलते चलते हमें एक चीज़ पर नज़र पड़ी, तो देखते हैं आपको भी दिखाते हैं उस चीज़ को। देखो वो चीज़ क्या है, इस समय आप ये सूरजमुखी के पौधे देख रहे होंगे, ये देखो बिल्कुल सीधे हुए पड़े हैं। क्यों? क्योंकि इस समय 12 बजे का समय है और 12 बजे सूरज जो है सिर पर होता है, ठीक। तो आप देखिए बिल्कुल सीधे हुए हुए हैं, ऊपर आसमान की तरफ देख रहे हैं सारे फूल। जैसे जैसे सूरज घूमता रहेगा वैसे वैसे इनकी भी डायरेक्शन बदलती रहेगी, फिलहाल ये बिल्कुल सीधे ऊपर हैं। तो यही सूरजमुखी के पौधे की खासियत है, इसीलिए इसका नाम भी सूरजमुखी है, सनफ्लावर। जहाँ जहाँ सन जाएगा वहाँ वहाँ ये अपना फेस कर लेगा। कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं, और देखो ये वाइट वाला फ्लावर कितना अच्छा लग रहा है। और हमारे तीन फ्लावर, गांधी जी के तीन बंदर यहाँ बैठे हुए हैं, थक गए हैं अभी ये अभी। हाँ भी थक गए, अब घर चलना चाहिए। अच्छा देख रहे हो गाइस अभी भी थक गए हैं, लेकिन घर जाने का इनका मन नहीं है, अभी भी इन्हें खेल नहीं है, तो ये तो कहते ही रही हैं। तो चलिए गाइस, तो ये तो कहते रहेंगे लेकिन हमें तो घर जाना ही है। तो चलिए गाइस हम निकलते हैं अब घर के लिए। आशा करते हैं आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा, फिर तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको आगे फॉरवर्ड भी कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए। तो गाइस मिलते हैं फिर किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।